केंद्र के समान महंगाई, राहत सहित छठे और सातवें वेतनमान का एरियर देने सहित नौ सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को पेंशनरों ने एकजुटता दिखाई है। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे पेंशनरों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मांगों के जल्द निराकरण की मांग की। जिला अध्यक्ष मुकुंद सिसोदिया ने बताया कि प्रदेश के 4.5 लाख पेंशनर अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर निरंतर शासन से अनुनय विनय ज्ञापन धरना जैसे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन शासन हमारी जायज मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा। हमारी मांग है पेंशनरों को आयुष्मान योजना अथवा पेंशन बीमा योजना, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुनर्निर्माण अधिनियम 49 को अविलंब विलोपित किए जाने जैसी मांगे शामिल है। ज्ञापन के दौरान पेंशनरों ने नारेबाजी भी की। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश पेंशन एसोसिएशन के आह्वान पर आज पूरे मध्य प्रदेश में जिले और तहसीलों पर हमारी लंबित 9 मांगों के लिए ज्ञापन देने का आदेश किया गया था। उसी तारतम्य में हम सब पेंशनर साथी आज यहाँ कलेक्ट्रेट में 9 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया हमने। उसमें एक तो केंद्र के समान महंगाई भत्ता हमें चाहिए, छठे वेतनमान का 27 महीने का एरियर, सातवें वेतन का 32 महीने का एरियर और भी विभिन्न मांगे हैं जो बुजुर्गों को पेंशनरों को चाहिए ताकि वो अपना स्वास्थ्य लाभ भी ले सकें। ये सब मांगे हमने अभी जो है इसका ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दिया। अगर समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो हम अब भूख हड़ताल पर जाएंगे, ऐसा अभी निर्णय ले रहे हैं हम। क्या नाम है आपका? मुकुंद सिंह सिसोदिया, पेंशनर एसोसिएशन अध्यक्ष खरगोन। पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश भोपाल के निर्देशन में जो हमें सूचना प्राप्त हुई थी, निर्देश प्राप्त हुए उसके अनुसार हम लोगों ने आज दिनांक 17 को कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन सौंपने का हमें प्रस्ताव भेजा था। उसके तहत हम लोग आज एकत्रित हुए और सभी से मिलके पेंशनर मिलके आज हमने कलेक्टर महोदय के यहाँ ज्ञापन सौंपा। क्या मांगे मुख्य? हमारी मांगे 9 प्रकार की है। एक तो है कि केंद्र के समान 38% तथा समय समय पर की जा रही महंगाई के राशि में वृद्धि केंद्रीय दर से अविलंब स्वीकृत की जावे। छठे वेतन अंतर्गत 22 माह का लंबित एरियर राज्य पेंशनर संघ को दिया जाए। सातवें वेतनमान का लंबित 27 माह के एरियर का भुगतान किया जावे। पेंशनर आयुष्मान योजना तथा पेंशन बीमा योजना से जोड़ा जावे। अच्छा, इसके बाद भी अगर समस्या का निराकरण नहीं होता है तो आगामी क्या कार्रवाई रहेगी? और ये जो शासन द्वारा जो छत्तीसगढ़ का और इसका जो राज्य अलग अलग होने के बाद में जो 49 धारा को जो है उसको तुरंत विलोपित किया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में ही इसके आदेश कोर्ट द्वारा जारी किए गए हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है, परंतु दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के हठधर्मी के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से भी निवेदन कर रहे हैं, बार बार निवेदन कर रहे हैं, उसके पश्चात भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर इसके बाद में भी मांगों का अगर निराकरण नहीं होता है तो हम लोग भूख हड़ताल पर जाने का हमारा प्रोग्राम बना रहे हैं। इसके लिए अगर किसी भी बुजुर्ग को कोई परेशानी होती है उसके लिए शासन जवाबदार रहेगा। क्या नाम है आपका? सुभान राव पवार, कार्यकारी अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।